नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम इसी के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग से हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को, इस लाइव को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो हम बात करने वाले हैं किस तरह से इस समय जो विकास की अंधाधुंध दौड़ में पेड़ों की संख्या निरंतर घटती जा रही है और इसका प्रभाव आप अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भी देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी आप लोगों से और भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि विकास करें, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट ना करें, वरना प्रकृति अगर रूठी तो सारे विकास कार्य और स्मार्ट सिटी धरे के धरे रह जाएंगे और क्षण भर में उन्हें नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। यानी कि हमारे कहने का ये मतलब है, आपने देखा होगा केरल स्वच्छता के मामले में सबसे आगे हुआ था, उसका उदाहरण इस समय आप देख रहे हैं केरल की क्या दुर्दशा हो रही है। केरल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इसका दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की बाढ़। 2013 में उत्तराखंड आधे से ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से और भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं उसे आप समझने की कोशिश करिएगा भाई। मत करो पेड़ पौधों को नष्ट, वरना सांस लेने में होगा कष्ट। हमारी इस बातों को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और अपने विचारों को ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों, हो ना हो, कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती ज़रूर है। एक सर्वेक्षण में पता चला है कि एक स्वस्थ पेड़ जो शीतलता देता है वह 10 वातानुकूलन यानी कि 10 AC के 20 घंटे लगातार चलने के बराबर होता है। और इतना ही नहीं, घरों के आसपास लगे पेड़ AC यानी कि वातानुकूलन की आवश्यकता को 30% तक घटा देते हैं। और आप लोगों को बताएं तो आप लोग हमारी बातों को गौर करिएगा भाई और अपने विचारों को ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं लखपड़वा के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हाय दोस्तों, बिल्कुल शिव कुमार शर्मा जी, हम फिर से आ चुके हैं। आपको दिखा रहे थे ये लखपेड़वा कहा जाता था पहले, यहाँ पर पहले 1 लाख पेड़ हुआ करते थे आज से 10 साल पहले। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ों की संख्या जो आपको दिख रहा होगा, खाली खाली मैदान दिख रहा है। और भाई इतना ही नहीं, यहाँ पर पेड़ों की संख्या एकदम लगभग में ख़त्म होने वाली है। जो भी पेड़ है पहले के ज़माना के, वो सभी खुद ब खुद सूख सूख कर गिरते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। यहाँ पर आप इतना बड़ा जो खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो भी यहाँ पर माननीय आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाता है और यहाँ पर अब विमान उतारे जाते हैं। इतनी सारी जगह जो आप बड़ा मैदान देख रहे हैं, इसमें पहले लाखों पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब इस समय आप देख रहे हैं पूरा का पूरा खाली जगह पड़ा हुआ है। हम बता रहे हैं दोस्तों आज आप लोगों को कि आप लोग भी सचेत हो जाएं, उत्तराखंड और केरल की तबाही से बचने के लिए पहले से आगाह कर रहे हैं। दुनिया में अभी भी ऐसे दुर्गम स्थानों पर पेड़ों का जंगल का विस्तार है जहां पर मानव का पहुंचना दुष्कर है। इतना ही नहीं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई सही रास्ते हैं और दूसरा नंबर वहां पर अन्य खतरनाक वन्य जीव हैं जिनकी मौजूदगी के कारण इन पेड़ों तक, इन जंगलों तक लोगों का पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। पत्रिका नेचर के अनुसार पेड़ों का उच्च सघनता रूस, स्कैंडिनेविया और उत्तरी अमेरिका के उप आकृति क्षेत्रों में पाई जाती है। और विश्व के संसाधन वनों में, आपको बता दें दोस्तों, विश्व के सघन वनों में 24% पेड़ हैं। पृथ्वी पर उपस्थित 43% अर्थात 1.4 लाख करोड़ पेड़ उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। यह है कि सबसे ज़्यादा वनों की घटती दर भी इन्हीं वनों में है। मतलब कहने का यह एक सोचनीय विषय है कि जो सबसे ज़्यादा पेड़ घट रहे हैं वह भी इन्हीं क्षेत्रों में ही घट रहे हैं। FAO के अनुसार भारत में 1981 से लेकर के 1990 के बीच प्रतिवर्ष वनों का विनाश 0.6% की दर से हुआ है। अन्य आंकड़ों को देखें तो विश्व में 70 लाख हेक्टेयर की गति से पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, यह सभी हमारे लिए चिंता का विषय है। जो आप जितना भी देख रहे हैं, ये सभी पहले लखपड़वा माना जाता था, ये सड़क भी नहीं थी बीच से, अब तो ये सड़क भी हो चुकी है। और खाली मैदान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ों की संख्या लाखों की मात्रा में होती थी। रोको रोको,
ठीक है। तो अब और भी हम आप आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया तुरंत लाइक कर दें, और उसके बाद फिर हम आपको और भी कुछ आंकड़े बताते हैं। क्या आप जानते हैं एक पेड़ 40 वर्षों में लगभग 16 लाख का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप का लाभ देता है। मत काटो उन पेड़ों को जो है पिता तुल्य समान। दोस्तों, पेड़ पौधों को अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो बहुत ही बुरा है। हमारे कहने का ये मतलब है इस लाइव को लगाने का कि आप लोग समझें और पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश करें। हमारी ये छोटी सी मुहिम तभी सफल होगी जब आप लोग समझेंगे इन बातों को, और इन लाखों पेड़ों की जगह पर जो आप गिने चुने पेड़ देख रहे हैं, ये सड़क वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले भाई ये सड़क भी नहीं थी यहाँ पर, और अब बढ़ते विकास की अंधाधुंध दौड़ में पेड़ों और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है, यह बहुत ही बुरा है। और आप लोग हमारी बातों को हल्के में ले रहे हैं। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप उत्तराखंड की तबाही भूल चुके हैं 2013 की, या फिर केरल में इस समय जो बीतापात मचा हुआ है, पूरा का पूरा केरल नष्ट हो रहा है। क्यों? आप लोग स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे देश का विकास कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रकृति रूठी ना तो आपकी स्मार्ट सिटी और आपके जो स्मार्ट हाउस स्मार्ट गाड़ियाँ हैं ना, वह क्षण भर में नष्ट हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। पेड़ों का अस्तित्व पर मानव और अन्य प्राणियों के जीवन पर निर्भर करता है। पेड़ों का विनाश होना मानव का नाश होना एक तय है। एक अध्ययन में पता चला है कि विश्व में लगभग तीन लाख करोड़ पेड़ हैं, लेकिन अब इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के माध्यम के अनुसार से लिए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में अभी भी ऐसे दुर्गम स्थानों पर पेड़ों का विस्तार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है जहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल है। यहाँ पर रीजन ये है कि काफ़ी ऐसे खतरनाक वन्यजीव उपलब्ध हैं जिनके कारण इंसान वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन कष्ट की बात यह है कि नेचर आप पत्रिका नेचर के में छपे आंकड़ों के अनुसार दोस्तों, इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक पेड़ों का सर्वनाश भी हो रहा है, यानी कि उनकी कटाई भी हो रही है। लगभग 70 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष पेड़ नष्ट हो रहे हैं। और FAO में छपी एक न्यूज के अनुसार 1981 से लेकर के 90 के बीच वनों की जो विनाश की दर है वो 0.6% रही है। दोस्तों, इस लाइव सेशन में आने का हमारा इतना ही मतलब था कि आप लोग समझें और कुछ करने की कोशिश करें। हमने आपको पिछली भी लाइव में काफ़ी कुछ दिखाया हुआ था, उसमें हमने आप लोगों को दिखाया था कि काफ़ी पेड़ों को हमने लगाया हुआ है, और हमारा यही जो छोटी सी कोशिश है आप लोगों के माध्यम से सफल होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। ये जो आप देख रहे हैं, बस आज से 8 से 10 साल पहले हमारी आजी आजा लोग बताते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में पेड़ हुआ करते थे, और दोपहरी में जब बैलगाड़ी लेकर के खेतों से चारे ढूले जाते थे, यानी खेतों से गेहूं और धान को ढुलाई होती थी, उस समय आने वाले पथिक जो होते थे वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके यानी कि बैलगाड़ी को पेड़ों की शीतलता में आराम करते थे, उसके साथ आम के और भी बहुत से मीठे फलों को वो लोग खाया करते थे, और यहाँ पर दोपहरी में बिता करके शाम होते होते फिर अपने घरों को रवाना हो जाया करते थे। जो आप भैंस गाय देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग चरवाहे आते थे यहाँ पर दिन भर जानवर चारा चारा चरते थे, लेकिन वो लोग पेड़ों के नीचे बैठ करके मज़े लिया करते थे। आज आप देख रहे हैं जानवरों की संख्या लगभग बनी हुई है, इतने सारे जानवर यहाँ पर चारा चर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर चरवाहा नहीं दिख रहा है कहीं भी। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ हैं ये खुद ब खुद स्वतः नष्ट हो जा रहे हैं। दोस्तों, अभी जल्द ही यहाँ पर भाजपा की रैली उठी, आपने देखा था, स्मृति ईरानी जी आई थी, जो आप सामने देख रहे हैं दृश्य, यहीं पर हेलीपैड बनाया गया था। तो अब ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी अगर इसौली विधानसभा में यानी कि 180 इसौली विधानसभा उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है, यहाँ पर जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाता है। और इस जगह का जो इस्तेमाल है ये दोस्तों अब सरकारी विभाग ने ले लिया है, यानी ये कृषि विभाग वालों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया है, और अब इस जगह पर वो लोग ना तो नया पेड़ को प्रत्यारोपित कर रहे हैं और ना ही कोई अन्य बदलाव कर रहे हैं। जितना भी दृश्य हम आपको घुमा घुमा कर दिखा रहे हैं, इस पूरे दृश्य में 1 लाख से अधिक पेड़ हुआ करते थे, और इतना ही नहीं, जहां तक आपको दिख रहा है सामने वहां तक की दूरी में दोस्तों ये लगभग में 4 से 6 हेक्टेयर की जगह है। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी तो मात्रा में खेत बन चुके हैं, और काफ़ी मात्रा में जो भी जगह बची हुई है वह सभी खाली पड़ी, ना कोई पेड़ और कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक सड़क जरूर बन चुकी है जो कि काफ़ी सक्रिय रहती है, और
इस सड़क से लोग आने जाने का कार्य किया करते हैं, लेकिन विकास और पेड़ पौधों की लगाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, जो भी बातें हमने आप लोगों को शुरू में बताई उनको समझने की कोशिश करिएगा और कुछ ना कुछ अपने विचारों को ज़रूर कमेंट करिएगा। एक पेड़ लगभग 3 लाख रुपए की भूमि नमी बनाए रखता है। कहने का मतलब, अगर एक पेड़ आपने कहीं पर लगाया हुआ है तो वह उस भूमि की नमी को लगभग 3 लाख रुपए जितना आप खर्चा करेंगे उस भूमि को नमी बनाने में, यानी कि उपजाऊ बनाने के लिए, उतना वो कार्य करता है। इतना ही नहीं, एक पेड़ 40 वर्षों में लगभग 16 लाख रुपए की इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हम लोगों को लाभ देता है। कहने का मतलब, उसमें हमारी बहुमूल्य ऑक्सीजन और शुद्ध वायु और प्रदूषण को सोखना, ये सभी सम्मिलित हैं। अगर आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको कीमत मालूम है कितना पड़ता है, लेकिन जो ये पेड़ पूरी लाइफ टाइम आपको मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, क्या आप इनकी कीमत कभी सोचते हैं कितना होगी? शायद नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो एक पीपल का पेड़ होता है वह लगभग 5% धूल और धुएँ को सोखने की असीमित शक्ति रखता है। और आप लोगों ने सुना होगा, पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज पीपल की पूजा किया करते थे। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है और हमने देखा भी है, अगर कोई पीपल की पेड़ की कटाई करता है तो वह बीमार पड़ जाता था। और ऐसा माना जाता था कि पीपल के पेड़ को काटा नहीं जाता है क्योंकि उस पे देवता रहते हैं। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि पीपल जो है सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है। यहाँ पर आम, महुआ, पीपल, नीम, परगद बहुत प्रकार के वृक्ष थे और अनगिनत टाइप के वृक्ष थे दोस्तों। लेकिन अफसोस कि आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मात्र आपको आम के पेड़ दिख रहे हैं, वह भी गिने चुने मात्रा में दिख रहे हैं। अगर आपने इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया तो कृपया तुरंत लाइक कर दें, उसके बाद फिर हम आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखाते हैं। तुरंत लाइक करें। और दोस्तों, हमारी बातों को याद रखिए या नहीं याद रखिएगा, लेकिन 2013 की उत्तराखंड की तबाही और 2018 की केरल की इस विनाशकालीन तबाही को ज़रूर याद रखिएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास तक भी ये पहुँच जाए और फिर आपकी जो स्मार्ट सिटी हैं और जो बड़े बड़े मशीन और उद्योग हैं, इन फैक्ट्रियों को नष्ट होने में क्षण भर नहीं लगेगा। तो प्रकृति से रूठना, यानी कि प्रकृति अगर आपसे रूठ गई, हम लोगों से रूठ गई, तो हम लोग इसमें अपना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी मुहिम तभी सफल होगी जब आप लोग हमारी बातों को समझेंगे। और 5000 फ्रेंड्स हमसे जुड़े हुए हैं लगभग, उन सभी से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग इन बातों को हल्के में लेते हैं तो बिल्कुल वह दिन दूर नहीं जब यह सब जो हम बोल रहे हैं काल्पनिक, ये सच होने वाला है। दोस्तों, ये मत समझिएगा कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आपके घर तक नहीं पहुँचेगी, वह आग आपके घर तक भी पहुँच जाएगी। इसलिए आप पड़ोसी के घर से ही बुझाना शुरू कर दें। मेरे कहने का मतलब, अगर केरल और उत्तराखंड में ये तबाही शुरू हो चुकी है तो ये तबाही उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। तो आप लोग अभी से संभल जाएँ और सुधर जाएँ, हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा वेट करें, हम आपको भी दिखाएंगे जो कृषि उद्यान बना हुआ है वहाँ भी आपको लेके चलते हैं, ठीक है? ए दोस्तों, चलिए आप लोगों को हम लेकर के चलते हैं और आगे दिखाते हैं। वह भी इसी लख पेड़वा का भाग है, जितना आप देख रहे हैं ये जो स्कूल वगैरह बन चुका है यहाँ पर, यह सब इसी में आता था। और यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, 1 लाख से अधिक पेड़ हुआ करते थे और वह भी सभी फलदार और बेशकीमती लकड़ियों के पेड़ हुआ करते थे। लेकिन आज के इस समय में हम लोगों के द्वारा उन पेड़ों की देखभाल ना होने के कारण, और कुछ पेड़ तो स्वतः गिर गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और कुछ हम लोगों ने काट करके नष्ट कर दिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कृषि उद्यान क्षेत्र जहाँ पर यहाँ पर बना। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ही कृषि उद्यान क्षेत्र है और जो बनाया गया है यहाँ पर नर्सरी लगाई जाती है छोटी छोटी। और हेलो, कृषि उद्यान केंद्र इसी को कहा जाता है। और इतना ही नहीं, ये इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा
यहीं पर जो भी पेड़ वगैरह नष्ट होते हैं ला करके रखा जाता है उनको, और उन्हें यहाँ आप देख रहे होंगे इन पेड़ों को कैसे सूख रहे हैं ये सब और कैसे स्वतः नष्ट हो रहे हैं। दोस्तों ये सब आप देख रहे होंगे ये उन्हीं लाख पेड़वा के पार्ट हैं जो आप देख रहे हैं, खुद ब खुद पेड़ नष्ट हो जा रहे हैं, ये पुराने हो चुके हैं इतना ज़्यादा कि अब इनकी आयु ख़त्म हो चुकी है। और इतने भारी भारी पेड़ हुआ करते थे यहाँ पर कि पूछिए मत, कोई गिनती नहीं थी। मैंने तो आपको एक अंजाद में बता दिया 1,00,000, लेकिन यहाँ पर पेड़ों की संख्या अनगिनत थी। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी बेटर नहीं आ रही है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे क्वालिटी देने की, ठीक है? तो देखते रहिए। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, याद रखिएगा एक पेड़ जो होता है वह अपने पूरे जीवन काल में लगभग 17,00,000 की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप की बहुमूल्य सामग्री हमें प्रदान करता है, जिसमें ताज़ी हवा, ऑक्सीजन, लकड़ियाँ और भी प्रदूषण को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से पेड़ों के बीच में खेतों को बना लिया गया है और उन्हें जोता बोया जा रहा है। जो भी ये पेड़ आप देख रहे हैं सभी पूरी तरह से सरकारी हो चुके हैं और अब इन पर गवर्नमेंट का अधिकार है। जितनी भी लकड़ियाँ यहाँ पर टूटती हैं, जितने भी पेड़ सूखते हैं, वह सभी वन विभाग की टीम को समर्पित किए जाते हैं। ये नज़ारा आप देख रहे हैं सुरेश नगर बरासीन कुड़वार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के एक बगीचे बोलें या फिर जो भी आप समझें। दोस्तों इस लाइव सेशन में अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ही क्रिएट करेंगे, उसमें रिकॉर्ड करके और एडिट करके फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे भाई, ठीक है? और लाइव सेशन में हमने सुना है कि आप लोगों को क्वालिटी बेटर नहीं आती है, तो इसलिए चलिए अब हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग में दिखाते हैं। आप लोग हमारी बातों को याद रखिएगा और इन बातों को याद रखते हुए दोस्तों अगर हमारी बातें आपको नहीं याद रहेंगी तो उत्तराखंड की 2013 की तबाही और केरल की 2018 की तबाही ज़रूर याद रखिएगा। और इन्हीं बातों को सोचते हुए कम से कम जो भी फ्रेंड्स देखें इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक पेड़ अवश्य लगाएं। प्रदूषण नाशक वृक्ष प्रदूषण को नष्ट करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ, साफ एवं समृद्ध बनाते हैं। पीपल और बरगद जैसे पेड़ों में धुआं और धूल को सोखने की असीमित शक्ति होती है। पीपल तो 4.15% तक धुआं और प्रदूषण को सोख लेता है, तभी तो इसे दुल्ले देवता समान यानी कि तुल्य देवतुल्य माना गया है। दोस्तों ये लाइव सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम आपको वीडियो एडिट करके दिखाएंगे दूसरा वीडियो जिसमें आप लोग देखेंगे। ये वीडियो लाइव पे लगा हुआ इसलिए आपको हो सकता है क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही हो, तो भाई क्वालिटी वगैरह नहीं क्लियर आ रही हो तो हम आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? उसको मेमोरी फोन कार्ड में रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हैं वो लोग फिर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को। देखिए हमारे साथ में एक हमारे सहयोगी मिस्टर ब्रजेश कुमार आए हैं, हमारे छोटे भाई साहब, तो ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।